गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिग्रेडेबल का मतलब होता क्या है। सो डिग्रेडेबल का सिंपली मतलब हम बात करें तो इसका मतलब होता है टू ब्रेक डाउन। ठीक है, टू ब्रेक डाउन इज डिग्रेडेबल। ठीक है, टेक्निकली डिग्रेडेबल को अगर हम बोलें तो इसका अर्थ ये होता है कि एवरीथिंग ब्रेक्स डाउन, हर चीज़ जो है वो टूटता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि बायोडिग्रेडेबल का डेफिनेशन क्या होगा। तो देखिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर सच वेस्टेज मटेरियल विच आर एंड कैन बी डिग्रेडेड बाय नेचुरल फैक्टर्स लाइक माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा, एबायोटिक एलिमेंट्स लाइक टेम्परेचर, यूवी रेज या फिर ऑक्सीजन, ये सारे मटेरियल जो हैं उससे जो है ये ब्रेक हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल का, तो हम यहाँ पे आंसर इसका लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, अ काइंड ऑफ सब्सटेंस विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल ऑर्गेनिज्म एंड एक्ट्स एज पोल्यूशन। जैसे कि सोचिए कि कोई मटेरियल जो ऐसा होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं होता है और उसे सालों लग जाते हैं ब्रेक डाउन होने में, बहुत इन्वायरमेंट के लिए जो कि हानिकारक होता है, उसे हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल में पॉइंट आप ये भी नोट डाउन कर लो कि इट कैनॉट गेट डिकम्पोज और डिजोल्व बाय नेचुरल एजेंट्स, दे रिमेन ऑन अर्थ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स विदाउट एनी डिग्रेशन। बिना किसी टूटे हुए, बिना किसी डैमेज के ये पृथ्वी पर हज़ारों साल तक रहते हैं और हज़ारों साल के बाद भी अगर ये टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए किसी तरीके से, तो भी उसके कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो पृथ्वी पर रहते ही रहते हैं। बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो फूड मटेरियल्स, किचन वेस्ट और कुछ नेचुरल वेस्ट जो होते हैं उसे हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक्स, कार्स, मेटल्स, केमिकल्स फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल के हैं। ठीक है, जैसे कि सोचो कि कोई प्लास्टिक का बॉटल है। ठीक है, प्लास्टिक का जो बॉटल है वो सालों सालों भर पृथ्वी पर रहेगा, उसके बाद भी अगर वो किसी तरीके से ब्रेकडाउन होता भी है तो उसका कुछ ना कुछ पार्टिकल तो पृथ्वी पर रहेगा ही रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल, जो कि हमारा द होल प्रोसेस इज नेचुरल, इट कैन बी रैपिड और स्लो। देखो, जो बायोडिग्रेडेबल जो का जो प्रोसेस होता है वो नेचुरल होता है और उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है या बहुत जल्दी भी ये डिकम्पोज हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल का नेक्स्ट पॉइंट है, इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड रिस्क कॉज्ड बाय बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर